मामा के बारे में क्या बताऊँ, मामा बहुत एक्टिव थे शुरू से और इतना वेट भी नहीं था मामा का, सो शी वॉज़ वर्किंग एट दैट टाइम ऑल्सो। बट धीरे धीरे आफ्टर माई मैरिज, मेरी मैरिज में मामा ने बहुत डांस किया था और मेरे ख्याल से मेरी मैरिज में ही लास्ट टाइम था जब उन्होंने इतना डांस किया था, बिकॉज़ आफ्टर दैट उनको नी प्रॉब्लम बहुत होनी शुरू हो गई थी। मामा वॉक नहीं कर पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे ज़्यादा, तो शी कीप ऑन पुटिंग ऑन द वेट। उनका बहुत वेट बढ़ता गया बढ़ता गया, एंड आफ्टर सो मेनी ईयर्स वी रियलाइज कि नहीं, वी शुड गो फॉर द नी सर्जरी कि लेट हर वॉक प्रॉपरली, क्योंकि वो मार्केट नहीं जा पाती थी, वो मैरिजेस पे ज़्यादा नहीं चल पाती थी, तो वो हर जगह बैकआउट कर जाती थी, जो हम एज सिस्टर्स एज उनके बच्चे हमें बहुत फील होता। इसकी शादी पे मैं बहुत एक्टिव थी, मैंने खूब डांस किया है, खूब इंजॉय किया है। इसकी शादी के करीबन 2 साल बाद मुझे हल्की सी प्रॉब्लम आनी नीज में हुई, जिसकी वजह से मेरे चलने में, और ज़्यादा प्रॉब्लम तो मुझे चलने में हुई, बाकी मैं हर काम में एक्टिव थी, लेकिन चलने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आनी ज़रूर शुरू हो गई। सर्जरी के लिए सारे टेस्ट हो चुके थे प्राइमस पे, और वेरी नेक्स्ट डे हमारी आफ्टर 2 डेज़ हमारी सर्जरी की डेट फिक्स हो गई थी और सब टेस्ट हो गए थे, सब कुछ हो गया था। लेकिन जब हम हॉस्पिटल से वापस आए, शाम को 5 बजे मामा की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आनी थी, जिसमें बहुत एक शॉकिंग न्यूज़ हमें मिली कि मामा के गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं। एंड इट वॉज रियली शॉकिंग न्यूज़, क्योंकि मम्मा को कोई सिम्टम्स नहीं थे स्टोन्स के। सर्जरी होने के बाद जब वो हमें स्पेसिमेन दिखाए, देर वॉज नॉट ओनली वन स्टोन, द होल गॉल ब्लैडर वॉज कवर्ड विद द क्रिस्टल ऑफ स्टोन्स। I put the alarm on my phone. I have to give this to my mom at this time. I used to stop my eating. Mama kehti hai kha lo pehle, baad mein de dena. Mujhe nahi, abhi dena hai, matlab dena hai. Matlab time management. I have learned time management in that area. उसको देखी नहीं रही। ऐसे भी हुआ था कि she was just sleeping और मम्मा का टाइम हो गया था, आई थिंक सो नारियल पानी का होता, कोकोनट वाटर का होगा, एंड शी वॉज स्लीपिंग बिकॉज शी गॉट सो मच टायर्ड, शी हैज़ टू लुक आफ्टर द हाउस ऑल्सो, शी हैज़ टू लुक आफ्टर मामा ऑल्सो। सो मामा इसको आवाज़ लगा रही थी, इसको सुनाई नहीं दे रहा था, सो शी पुट द ग्लास ऑन द बैंक द ग्लास ऑन द टेबल, उन्होंने जोर से ठक ठक किया, एंड शी वोक अप। क्या हुआ मम्मा, कहती मुझे भूख लगी है, प्लीज मुझे कोकोनट वाटर दे दो। कभी हैवी खा लूं तो ले लें, तो फिर बाई चांस ना पड़ जाए, इस वजह से। वैसे भी मेरा नॉर्मल चल रहा है, लाइफस्टाइल और आउटलुक भी बहुत बच्चे जो है, तो लोग सभी कहते हैं घर काफी चेंज आ गए इसकी वजह से। नहीं पता चला, थैंक यू रणजीत कोयल हमारी रानी को ठीक करने के लिए।